हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक सोलेनोइड वाल्व और न्यूमेटिक सोलेनोइड वाल्व के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं कि सर, हम एक मशीन मैन्युफैक्चरर हैं या फिर हम लोग मेंटेनेंस में काम करते हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी मशीन के अकॉर्डिंग हमको एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगाना चाहिए या फिर एक न्यूमेटिक सिस्टम लगाना चाहिए। अगर ये आप लोगों का भी डाउट रहता है, आपका भी ये कन्फ्यूजन है कि हाइड्रोलिक सोलेनोइड वाल्व या हाइड्रोलिक सिस्टम या न्यूमेटिक सोलेनोइड वाल्व या न्यूमेटिक सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, ये वीडियो आज का आप पूरा जरूर देखिए। आई प्रॉमिस कि ये जो डाउट है आपका वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाए, आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारी वीडियोज तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम की, तो देखो होता क्या है ना कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सोलेनोइड वाल्व्स दोनों ही एक मीडियम का काम करते हैं। मतलब कि इनका काम क्या होता है, फ्लूइड या गैस के फ्लो को कंट्रोल करना होता है। लेकिन इन दोनों में कुछ बेसिक फर्क होता है क्योंकि ये अलग अलग मीडियम्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, आपको यही समझना है कि कहाँ पे हम लोग एक न्यूमेटिक सोलेनोइड वाल्व या फिर न्यूमेटिक सिस्टम को यूज करते हैं और कहाँ पे हम लोग एक हाइड्रोलिक सोलेनोइड वाल्व और हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज करते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है कि आपको ये दिखने में ना दोनों ही लगभग लगभग सेम मिलेंगे। यहाँ पर भी एक कॉइल लगी हुई होती है दोनों साइड, यहाँ पर भी कॉइल लगी हुई रहेगी। वो डिपेंड करता है वॉल्व किस टाइप का है। ठीक है, मैं दोनों साइड यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो इमेजेस जो मैंने यूज की है वो दोनों सेम टाइप के यहाँ पे वॉल्व की मैंने यहाँ पे यूज की है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखें हाइड्रोलिक सिस्टम की कि भाई हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाइड्रोलिक सोलेनोइड वाल्व्स जो होते हैं ये लिक्विड जैसे कि ऑयल या फिर पानी या फिर किसी भी टाइप का लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम हाई प्रेशर पे काम करते हैं, जैसे कि हजारों PSI तक आप लोग इनसे काम ले सकते हो, क्योंकि लिक्विड्स क्या है, ये कंप्रेस नहीं होते हैं। ये चीज आप लोगों ने ध्यान देनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हाइड्रोलिक सिस्टम को हम लोग कितने PSI तक यूज कर सकते हैं, तो हाइड्रोलिक सिस्टम को हम लोग हजारों PSI तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्यों, ऐसा क्यों है कि हाइड्रोलिक सिस्टम को हम लोग हजारों PSI तक यूज कर सकते हैं, तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है, क्योंकि हम लोग लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सेम अगर हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम की बात करें, तो न्यूमेटिक सिस्टम क्या है कि ये कंप्रेस्ड एयर या दूसरे गैसेस के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम लोअर प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं, जैसे कि 80 से लेकर के 120 PSI तक, क्योंकि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है और गैसेस जो होती है वो कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, एयर या गैसेस जो भी है वो कंप्रेस हो सकती है, इसीलिए हम लोग इनको जो है वो यूज करते हैं जहाँ पे हमको लोअर प्रेशर की जरूरत होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, जहाँ पे हमें हाई प्रेशर की जरूरत होगी वहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक को यूज करेंगे, जहाँ पे हमें लो प्रेशर की जरूरत होगी वहाँ पे हम लोग न्यूमेटिक को यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में आप लोग एक न्यूमेटिक वॉल्व लगा दोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे न्यूमेटिक वॉल्व अगर हम लोग लगा रहे हैं वो पूरा ही सिस्टम ही न्यूमेटिक होगा। यहाँ पे सेम अगर हाइड्रोलिक सिस्टम अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे वॉल्व हाइड्रोलिक ही लगेगा, वहाँ पे न्यूमेटिक नहीं लगेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है ना या फिर हाइड्रोलिक वॉल्व्स जो होते हैं ये हाई प्रेशर पे काम करते हैं, जो जनरली 100 से लेकर के हजारों PSI तक हो सकता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ऊपर बता रहा था। सेम अगर हम लोग यहाँ पे बात करें न्यूमेटिक की, तो न्यूमेटिक में क्या होता है, ये लो टू मॉडरेट प्रेशर के ऊपर काम करते हैं। यूजुअली ये 80 to 120 PSI हो सकता है, क्योंकि गैसेस को यहाँ पे कंप्रेस किया जा सकता है, गैसेस कंप्रेस हो सकती है। ओके, अब देखो अगला पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, तो हाइड्रोलिक वॉल्व्स में क्या होता है, इनका ऑपरेशन थोड़ा स्लो होता है क्योंकि लिक्विड का इनर्शिया जो होता है वो ज्यादा होता है और ये रेसिस्ट करते हैं मूवमेंट को। ठीक है, तो इनका इनर्शिया ज्यादा होगा और ये रेसिस्ट करेंगे मूवमेंट को, तो
ऑटोमेटिक क्या होगा, इनका जो ऑपरेशन है वो स्लो हो जाएगा। सेम अगर आप लोग इसको न्यूमैटिक से कंपेयर करोगे तो न्यूमैटिक में बिल्कुल उल्टा होता है। न्यूमैटिक में क्या होता है, इनका ऑपरेशन फास्ट होता है क्योंकि एयर लाइट होती है और कंप्रेस होने की वजह से वो जल्दी रिएक्ट करती है। इसका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो क्विकर होता है, जल्दी होता है, ठीक है, जल्दी रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। इसीलिए जो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम या हाइड्रोलिक वॉल्व से ज्यादा फास्ट जो है ये रिएक्ट करता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, आपको स्लो रिस्पॉन्स चाहिए, आपको हाई प्रेशर चाहिए या फिर हाई आपको फोर्स चाहिए या आपको लो लाइट जो है, मतलब ऑपरेशन जो है आपका वो लाइट ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों का वो ये है कि जो हाइड्रोलिक वॉल्व्स होते हैं ये हाई फोर्स आउटपुट देते हैं लिक्विड के हाई प्रेशर की वजह से। सेम अगर आप लोग न्यूमैटिक में देखोगे तो न्यूमैटिक में क्या होता है, ये लोअर फोर्स आउटपुट देते हैं क्योंकि गैसेस लोअर प्रेशर पे काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये सारे पॉइंट्स रीड करोगे तो भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे हाइड्रोलिक जो रहेगा वो हाई फोर्स आउटपुट देगा, सेम यहाँ पे जो न्यूमैटिक होगा वो लो फोर्स आउटपुट देगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोगों का होता है कि जो हम लोगों का हाइड्रोलिक वॉल्व होता है ये ज्यादा बड़े और रोबस्ट होते हैं, ठीक है। अब ये ज्यादा बड़े और रोबस्ट इसलिए होते हैं ताकि प्रेशर और लिक्विड की डेंसिटी को हैंडल कर सके। सेम अगर हम लोग न्यूमैटिक की बात करें तो न्यूमैटिक वॉल्व्स में क्या होता है, ये लाइटर होते हैं या फिर हल्के होते हैं और छोटे होते हैं क्योंकि ये लोअर प्रेशर और गैसेस के साथ काम करते हैं। हमें लो प्रेशर के ऊपर काम करना है, गैसेस के ऊपर काम करना है, तो ऑटोमेटिक जो ये वॉल्व होंगे वो लाइटर होंगे, हल्के होंगे और स्मॉल होंगे। अगर आप लोग दो सेम टाइप के एक हाइड्रोलिक वॉल्व और एक न्यूमैटिक वॉल्व को हाथ में भी लेकर देखोगे ना तो आपको फील होगा कि जो न्यूमैटिक वॉल्व होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, इनका कंटेनर हम लोग एल्युमिनियम का ज्यादातर ये बना हुआ होता है, बट यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये आपका कास्ट आयरन का बना हुआ होगा या फिर अदर मेटल्स का बना हुआ होगा और ये काफी हैवी होते हैं, इनकी कॉइल भी काफी हैवी होती है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो सोलॉइड वॉल्व्स होते हैं ना, इनका यूज उन सिस्टम में होता है जहाँ हाई पावर और प्रिसीजन चाहिए होती है, जैसे कि हैवी मशीनरी, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हैवी मशीनरी, ऑटोमोटिव सिस्टम्स या फिर ब्रेक्स कह सकते हैं आप लोग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग इनको यूज करते हैं। अगर आप लोग इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम करते हो तो आपको पता होगा हम लोग कहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन्स को यूज करते हैं, फिर हाइड्रोलिक पावर पैक को यूज करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज करते हैं। सेम अगर हम लोग डिस्कस करें न्यूमैटिक की तो इनका यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे स्पीड और लोअर फोर्स की जरूरत होती है, जैसे कि फैक्ट्री ऑटोमेशन, ठीक है, पैकेजिंग मशीन्स एंड हाई वोल्टेज एसी सिस्टम, ठीक है। ज़्यादातर पैकेजिंग से रिलेटेड जितनी भी मशीन होंगी आपकी वहाँ पे 95-99% आप ये मान के चलिए वहाँ पे न्यूमैटिक सिस्टम ही लगा हुआ रहता है। एक न्यूमैटिक एक पूरा आपका सिस्टम लगा हुआ रहेगा जहाँ पे मल्टीपल वॉल्व्स होंगे, मल्टीपल सिलेंडर्स होंगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लगी हुई रहती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अगला पॉइंट डिस्कस करें तो हाइड्रोलिक सिस्टम में देखो क्या होता है कि ये थोड़े कम इफिशियंट होते हैं क्योंकि फ्लूइड की वेलोसिटी और हैवी लिक्विड को मूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन इनका फोर्स आउटपुट काफ़ी हाई होता है। लेकिन अगर हम लोग न्यूमैटिक की बात करें तो ये ज़्यादा इफिशियंट होते हैं, जब फास्ट एक्चुएशन चाहिए हो लेकिन फोर्स कम हो तो यहाँ पे इनको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है कि एयर लीकेज की वजह से एफिशिएंसी यहाँ पे लॉस हो सकती है, यहाँ पर भी जो है वो लीकेज की वजह से प्रेशर डाउन जा सकता है, लेकिन न्यूमैटिक में ये जो प्रॉब्लम है वो आती है। कई बार क्या होता है कि एयर लीकेज हो रहा है उसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाती है, बट ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो न्यूमैटिक की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है।
अब हम लोग अगर अगला पॉइंट डिस्कस करें तो अगले पॉइंट में यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है ना कि इनको ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए होता है, ठीक है। इसमें लीकेज हो सकते हैं, फ्लूड कंटामिनेट हो सकता है, सील ब्रेक हो सकती है, पंप खराब हो सकता है, ठीक है, और या फिर अदर वेयर एंड टीयर्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो एक हाइड्रोलिक सिस्टम होगा या हाइड्रोलिक वॉल्व होगा उसका मेंटेनेंस ज्यादा होगा। आप लोग ये भी कह सकते हो कि हम लोग जब हाई प्रेशर के ऊपर काम करते हैं तो हाई प्रेशर की वजह से आपका लाइन में लीकेज भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कंटामिनेशन ऑफ फ्लूइड्स तो ये तो चलो एक अलग बात हो गई, सेम यहाँ पे वेयर एंड टीयर भी हो सकता है, और पंप में जो ओरिंग्स वगैरह लगी हुई होती है, सील वगैरह लगी हुई होती है, वो भी आपकी यहाँ पे खराब हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम लोग न्यूमैटिक की बात करें तो न्यूमैटिक में इनको कम मेंटेनेंस चाहिए होता है क्योंकि एयर तो कंटामिनेट हो नहीं सकती, तो इसलिए इसको कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि विंटर या फिर ठंड के टाइम में या फिर बरसात के मौसम में एयर में मॉइस्चर आ जाता है, तो जब एयर में मॉइस्चर आ जाता है तो उसकी वजह से कई बार जो न्यूमैटिक वॉल्व होते हैं वो दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो न्यूमैटिक वॉल्व में कभी भी लिक्विड नहीं आना चाहिए या फिर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एयर में मॉइस्चर है तो उस केस में ये वॉल्व जो है वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपने कई बार देखा होगा हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग कई बार अलग से यूनिट्स लगा के रखते हैं जहाँ पे एयर के साथ में हम लोग इसको लुब्रिकेट करते रहते हैं, ठीक है, ताकि इसका जो वॉल्व है वॉल्व का मूवमेंट जो है वो प्रॉपर बना रहे। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हाइड्रोलिक वॉल्व और न्यूमैटिक वॉल्व में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।